सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्रेश न्यू व्लॉग में। आज हम आपको बहुत ही प्राचीन स्थान पर लेकर जाने वाले हैं, हस्तिनापुर, जो महाभारत काल के समय में भी था। पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे न्यू व्लॉग की जानकारी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हस्तिनापुर महाभारत काल में कौरवों की राजधानी थी और यह स्थान अब उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में मेरठ शहर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, देखते हैं पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर को। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पांडेश्वर मंदिर। चलो दोस्तों, अंदर चलते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने महादेव के शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया था, और तभी से यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है। देखते हैं यहाँ पर पांडेश्वर मंदिर में शिवलिंग को। और ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही प्राचीन बरगद का पेड़ भी है, काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, ये है पांडेश्वर मंदिर, और पांडेश्वर मंदिर में चलो अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इस मंदिर में ये है यहाँ शिवलिंग, जो पांडवों ने खुद अपने हाथों से स्थापित किया था। और ये पांच पांडवों की यहाँ पे मूर्ति भी स्थापित है, ये देख सकते हो आप। और ये शिवलिंग है, यहाँ पे शिवलिंग पर जल अभिषेक होता रहता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मंदिर के अंदर एक कुआँ है पीछे की साइड, और उस कुएँ में जो जल है ना, वो गंगा जल के समान ही पवित्र माना जाता है यहाँ पे, और लोग उसी जल से यहाँ पे जल अभिषेक करते हैं। और उस कुएँ के बारे में एक बात भी प्रचलित है कि यहाँ पे जो भी आता है और इस जल से स्नान करता है, जल अभिषेक करता है, तो उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं शरीर के। दोस्तों, हम इससे कुएँ से जल निकाल कर थोड़ा जल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये गंगा जल बोलते हैं इसको यहाँ पे। आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं अब। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है, माता सती का शक्तिपीठ, तो आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं। ये सीढ़ियों के द्वारा पांडेश्वर मंदिर के बिल्कुल बराबर से रास्ता जा रहा है, और यहाँ ऊपर आकर यहाँ पे शक्तिपीठ का एक मंदिर भी है। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे श्री शनिदेव जी का भी मंदिर है। इससे आगे आप चलोगे तो यहाँ पे आपको महादेव का मंदिर भी मिलेगा, मूर्ति मिलेगी, और उसके ही बराबर में आपको माता सती का शक्तिपीठ मिलेगा। दोस्तों, बता दूँ, यहाँ पर वीडियो या फोटो कैप्चर करना के लिए मना है, अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदर जाकर देखते हैं, कोशिश करते हैं, दिखाते हैं आपको। देखो दोस्तों, बाहर ही रोक दिया जाता है, लेकिन चलो, ये यहाँ पे माता सती का शक्तिपीठ भी है। बस इतना ही दिखा पाऊँगा मैं आपको, इससे ज़्यादा नहीं। और दोस्तों, बताया जाता है कि यहाँ पर जो महल के पांडवों के जो महल था, उसके अंदर जो कुआं था, वो यहाँ पर आज भी है, स्थित है। तो आइए आपको लेके चलते हैं वहाँ तक। और थोड़ा दूर पे चल के यहाँ पे एक भैरव बाबा का भी मंदिर है, आपको वहाँ पे भी दिखाएंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है, कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा मौसम है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये देखिए यहाँ पे, ये है श्री भैरव बाबा जी का मंदिर, लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ी देर बाद लेके आएंगे। पहले हम आपको लेके चलते हैं उस कुएँ के पास, जो
महाभारत काल में पांडवों के महल के अंदर था, और ये रास्ता कुएं पर जाता है सीधा। दोस्तों ये है वो कुआं जहाँ पांडव महल के अंदर इस कुएं का इस्तेमाल करते थे। ये देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, और अब तो ये पक्का करा रखा है दोस्तों, पहले भी पक्का ही था ये, लेकिन ये अब इसकी कुछ मरम्मत कराई है। देखो इसमें आज भी पानी है इसमें, और काफ़ी हाइट पर है ये कुआँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर पानी है दोस्तों। और शायद यहाँ पे कुछ काम चल रहा है खुदाई का, और हम आपको लेके चलते हैं अब उस जगह पर जहाँ पर पांडवों का महल था, हस्तिनापुर राजा का महल। तो वहाँ पे कुछ अवशेष मिले दोस्तों। जो लोग ये मानते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक कथा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हस्तिनापुर में जो खुदाई चल रही है वहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर महल था, और हस्तिनापुर में महल होने के और बहुत सी चीज़ों के अवशेष आज भी है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे खुदाई चल रही है। ये है वहाँ पे, बरसात का समय है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पन्नी से कवर किया हुआ है सब कुछ, खुदाई को रोका गया है, बरसात का मौसम है इसी वजह से शायद। और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों ये सारा पन्नी से कवर किया हुआ है, और ये महल के अवशेष यहाँ पे निकले हैं, देखो दोस्तों। तो अब चलते हैं उस स्थान की ओर जहाँ कर्ण मंदिर बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कर्ण मंदिर वह स्थान है जहाँ पर सूर्यपुत्र कर्ण रोज़ाना 1.25 मन सोना दान करते थे, और बताया जाता है मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जब सूर्यपुत्र कर्ण ने जिस स्थान पर अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान किए थे, देवराज इंद्र को। ये रास्ता सीधा कर्ण मंदिर में जाता है दोस्तों। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं कर्ण मंदिर पर, आए देखते हैं अंदर चल के क्या है इस मंदिर के अंदर। दोस्तों कर्ण मंदिर के अंदर शिवलिंग और माता पार्वती जी भी की भी प्रतिमा है। तो दोस्तों ये था कर्ण मंदिर, और इसके बाद हम आपको लेकर जाने वाले हैं द्रौपदी घाट। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, द्रौपदी घाट पे देखते हैं क्या है और कैसा है द्रौपदी घाट। दोस्तों कर्ण मंदिर से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद द्रौपदी घाट का रास्ता है, ये थोड़ा कच्चा रास्ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि महाभारत काल के समय में बताया जाता है कि महल के अंदर से ही एक सुरंग द्वारा रास्ता बनाया गया था, जो जिस रास्ते से माता द्रौपदी स्नान करने के लिए घाट तक जाती थी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं द्रौपदी घाट पे। काफ़ी दूर है ये महल से। तो दोस्तों यहाँ पे माता द्रौपदी की प्रतिमा भी स्थापित है, और एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है इस स्थान पे। ये देखिए ये यहाँ पे एक वृक्ष के नीचे माता द्रौपदी की प्रतिमा है, और महादेव शिवलिंग भी है। सो गाइज आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग,
कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।